नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत मुलायम सिंह यादव से। जी, अस्पताल से मुलायम सिंह यादव को लेकर जो खबर सामने आई है, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से ट्वीट सामने आया है। नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट सामने आया, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ट्वीट आया है, ब्रजेश पाठक की तरफ से ट्वीट आया। ये ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। तमाम नेताओं ने जिन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कामना की है भगवान से कि जल्द ही मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हो जाए। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जब किसी नेता पर विपत्ति आ जाती है तो सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, सभी की तरफ से जो है दुआओं का दौर शुरू हो जाता है, लंबी आयु की कामना शुरू हो जाती है, जल्द शीघ्र स्वस्थ होने की बात लिखी जाती है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भले ही आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन फिर भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे मैं केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लूँ या ब्रजेश पाठक का जिक्र कर लूँ, वो नेताओं में वो नहीं देखते, अलग थलग नहीं देखते। मुलायम सिंह यादव की अगर मैं बात करूँ, अच्छा खासा रिश्ता योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अपर्णा यादव का अच्छा रिश्ता योगी आदित्यनाथ के साथ है। भाई बहन है अपर्णा यादव और योगी आदित्यनाथ। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि राजनीति के अलावा भी एक बड़ा रिश्ता जो है मुलायम परिवार का योगी आदित्यनाथ से बना हुआ। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि अब मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो रहा है, सुधार होता नजर आ रहा है, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितनी स्थिति उनकी ठीक होती है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।